दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हम महिलाओं के लिए ब्रेस्ट और हिप्स हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि हमारे शरीर को एक खूबसूरती प्रदान करता है और साथ साथ में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है और हमारे एक फिगर को सही शेप भी देता है। काफी बार होता क्या है, जब हमारी बॉडी का वेट बढ़ जाता है और हम एकदम से अपने बॉडी के वेट को कम करने लग जाते हैं, तो उससे जो ब्रेस्ट होता है वो सैग होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जो ब्रेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे लटकने लग जाते हैं, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी लूज करते हैं और हमारी बॉडी भी खराब दिखती है। तो दोस्तों, बॉडी को सही शेप में लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए हमें अपने ब्रेस्ट और हिप्स को सही शेप देना जरूरी होता है। तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसका अगर आप डेली अभ्यास करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगे और साथ साथ में अगर आप कंटिन्यू इनका अभ्यास करते रहेंगे तो आपको एक सही शेप भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपको सभी एक्सरसाइज को कम से कम 3 महीने तक फॉलो करना है। जब आप 3 महीने तक फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट खुद दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अभी की मैं जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगी वो सारी की सारी हमारे जो ब्रेस्ट सैग हो रहे हैं यानी लटक रहे हैं वहाँ की जितनी भी मसल्स है उसको बिल्ड करेगा, स्ट्रांग करेगा और एक अच्छी शेप देगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाएंगे हम माजरी आसन के लिए, जिसे हम कैट पोज भी कहते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली अपने दोनों घुटनों को शोल्डर्स के बराबर इस तरीके से गैप दे देना है। अब यहीं से दोनों हाथ आपके सामने की ओर आ जाएंगे, देख लेंगे इस तरीके से आना है आपको। अपने पंजों को अप नहीं रखना है, फ्लैट रखेंगे, इस तरीके से आपको फ्लैट रखना है। अब यहीं से आपको अपने अपर वाले पार्ट को अप साइड लेके जाना है, जिस तरीके से कोबरा पोज होता है उसी तरीके से हमें इसे करना है। देख लें किस तरीके से जाना है, इस तरीके से आपको आप ये, फिर यहीं से आ जाएंगे बैक आप बैक आप। सारा का सारा प्रेशर जाता है हमारे ब्रेस्ट वाले पार्ट में, यानी हाथों से होकर ब्रेस्ट पर पूरा प्रेशर जाता है, जो कि मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है हमारे ब्रेस्ट की। इसी तरीके से आपको 20 बार करना है आप फ्रंट, इसी तरीके से करते हुए आएंगे और ध्यान रखेंगे हर एक एक्सरसाइज को आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। धीरे से रिलीज करते हुए डाउन चले जाएंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम दूसरी एक्सरसाइज के लिए, जिसे हम बोलते हैं प्लैंक। प्लैंक से हमारा पूरा प्रेशर हमारे हाथों पे जाता है और हाथों से होते हुए हमारे ब्रेस्ट वाले पार्ट पर जाता है, जो कि मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा और टाइटन के साथ साथ बहुत स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प करेगा। चलिए अब यहीं से दोनों हाथ को सामने की ओर लाएंगे। अब धीरे से अपनी नीज को उठाते हुए इस तरीके से आपको प्लैंक में आना है। ध्यान रखेंगे अपना हिप्स पोर्शन डाउन नहीं रखना है, बल्कि इस तरीके से सही शेप में रखना है आपको, इस तरीके से, और यहीं पर आपको होल्ड करके रखना है कम से कम 20 सेकेंड तक और 3 बार रिपीट करते हुए आना है। धीरे से रिलीज कर देंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम तीसरी एक्सरसाइज के लिए। अपनी दोनों एल्बोज को इस तरीके से ग्रिप कर लेंगे, यानी दोनों हाथों से दोनों एल्बो यानी हमारी जो कोहनियाँ हैं उसको पकड़ लेना है। अब यहीं से हाथों को सामने की ओर सेट करते हुए ये आप फ्रंट इस तरीके से लेके आना है। बहुत अच्छा प्रेशर जाता है हमारे ब्रेस्ट पार्ट पर, जो कि सैगिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। इसी तरीके से आपको 20 बार रिपीट करते हुए आना है और 3 बार इसका अभ्यास करना है। धीरे से रिलीज कर देंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज के लिए। दोनों हाथ को सामने की ओर रख लेंगे। आपका जो बॉडी अलाइनमेंट है एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ध्यान रखेंगे इसका। दोनों हाथ फ्रंट में आ जाएंगे। अब यहीं से साइड में लेके आना है इस तरीके से। इसी को आपको तेज गति के साथ करना है, फ्रंट एंड साइड, फ्रंट एंड साइड, इस तरीके से करते हुए आएंगे। ये आपको ऐसे 20 बार करना है और 3 के सेट लगाने हैं, यानी 3 बार करेंगे 20-20 बार की ड्यूरेशन में, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइज जो कि हमारी सैगिंग प्रॉब्लम को दूर करेगा। और दोस्तों, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता देती हूँ। जब हम सही ब्रा का चुनाव करते हैं, यानी अगर आप सही अपने साइज के अकॉर्डिंग ब्रा पहनेंगी और एक अच्छी क्वालिटी की ब्रा पहनेंगी, तो उससे हमारे जो ब्रेस्ट को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और जो सैगिंग की प्रॉब्लम होगी वो भी धीरे धीरे आपकी उसी के साथ कम होने लग जाएगी। इसलिए आपको इसका भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी आपको नीचे मेंशन हो जाएगी। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।